नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में पान मसाला कारोबारियों पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई में 72 लाख रुपए का टैक्स जमा किया गया। आगरा में वाणिज्य कर विभाग ने पान मसाला और गुटखा कारोबारियों के 19 फर्मों के 26 ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसमें सरीन एंड सरीन से 50 लाख और अन्य से 22 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया गया। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अतिक्रमण उठवा रही खैरागढ़ एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर चालक का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसकी जमकर फटकार लगाई गई। फरार ट्रैक्टर तैनात पीआरवी के आगे से सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। पूर्व में ट्रैक्टर चढ़ाने से सिपाही की हत्या हुई थी। किसकी शह पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बुलदल खाला खैरागढ़ क्षेत्र के कस्बा बाजार का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में एक महिला और उसके 8 साल के बेटे के घर में घुसकर हत्या करने के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही कार्रवाई से अब अफसर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कुछ ऑफिसरों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अमरोहा के नगवा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गजस्थल के माता मंदिर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बीती बुधवार रात को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर के पुजारी कामेश्वर गिरी महाराज के साथ मारपिटाई की गई और महाराज को सरिया मारकर उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। इस तरह महाराज ने खुद को अज्ञात हमलावर से छुड़ाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस उनका साथ दे रही है, अज्ञात हमलावर का लेकिन पता नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के बाद भी घूसखोरबाज नहीं आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में अवैध वसूली चल रही है। स्वास्थ्य मेडिकल पर रिपोर्ट लगाने को लेकर वसूली की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस के मेडिकल की रिपोर्ट लगाने में वसूली की जा रही है। 100 से 500 रुपये तक रकम वसूली जाती है। नेत्र विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी द्वारा मेडिकल कॉलेज में अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। फिरोजाबाद में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ग्लास डेकोरेटर्स फर्म में भीषण आग लग गई। आग लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। देखिए, थाना दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ कैनन ग्लास एक्सपोर्ट कंपनी है, जिसमें डब्बे रखे हुए थे, उसमें आग लग गई है और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी कुछ हम लोग सफल भी हो रहे हैं। उसमें बगल में गेस्ट हाउस था, उसमें भी आग फैल रही थी, तो दोनों जगह हम लोगों ने फायर चेंजर लगाए हैं। गोरखपुर में गोलघर स्थित फायर स्टेशन पर अग्नि सचिव मुख्यमंत्री फायर सर्विस पुलिस महानिदेशक के निर्देश के अनुसार सर, हमने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया था फायर कैसे, मतलब आग लग जाती है तो कैसे उसमें हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए प्राथमिक तरीके से, और मतलब अगर क्या हो सकता है, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, वो सब की शिक्षा हम लोगों को यहाँ पे दी गई। जो प्रमाण पत्र वितरण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय फायर सर्विस पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार ये जनपद के सभी जितने ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में 100-100 अग्नि सचेतक बनाए जाने का निर्देश हुआ है। पीलीभीत में मॉर्निंग वॉक को निकली 3 महिलाओं को डंपर ने टक्कर मार दी। रेत से भरी डंपर की टक्कर से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लाया गया है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। तीनों महिलाएं कोतवाली बीसलपुर इलाके के पसिया गाँव की रहने वाली बताई जा रही है। सहारनपुर में छात्रों के स्कॉलरशिप मामले में छात्रों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि IHM अकेडमी स्कूल के छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनकी स्कॉलरशिप निकाली है, जबकि छात्रों और उनके परिजनों को भी नहीं पता कि धोखे से उनके खाते बनाए गए हैं और उन खातों में स्कॉलरशिप कब आई है। मामले को लेकर जिलाधिकारी को पत्र देकर अनुरोध किया गया है कि मामले की जाँच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे गांव में एक स्कूल है IHM अकेडमी, उसमें बच्चों के कुछ खाते खुलवाए गए हैं बेतरीके से,
मतलब बच्चों को पता नहीं, नहीं, नहीं बच्चों के माँ बाप को पता। तो जैसे उसमें अकाउंट में स्कॉलरशिप आई वो निकाल ली गई सारी मैं स्कूल के अध्यापक ने, यानी कि इसका नाम है मास्टर मोहसिन, उसके बाप का नाम मुरसलिन है। तो जब हमने उससे हमने बात की संबंध में ओवरलोडिंग पर प्रशासन ने सिकंजा कसा है। उत्तराखंड से ओवरलोड रोड़ी बदरपुर लेकर 40 ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा है। मामला सदर कोतवाली इलाके का है जहां उत्तराखंड से रोड़ी बदरपुर लेकर 40 ट्रकों को एसडीएम ने पुलिस के सहयोग से पकड़ा। ओवरलोडिंग के साथ अतिरिक्त लोड की टैक्स चोरी का भी शक इन पर बताया जा रहा है। उत्तरांचल से आने वाली गाड़ियां जो है उत्तराखंड से ये ओवरलोड लेके आती हैं और ये पूरे रास्ते को डैमेज कर रहे हैं, कहीं भी जाम लगता है इनके कारण। तो जैसा कि आप जानते हैं इस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह लगातार जारी है, तो अवैध अतिक्रमण, अवैध वाहन जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के क्रम में आज सुबह श्रावस्ती में समस्त राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड संबंधित प्रकरणों के निस्तारण और पात्र किंतु वंचित लोगों के नए राशन कार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय भिंगा के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने फीता काटकर मेगा कैंप का शुभारंभ किया। श्रावस्ती में पुलिस विभाग अपराधियों पर सिकंजा कसने में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने को राजी नहीं दिख रही, जिसके चलते श्रावस्ती पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। आपको बता दें कि थाना सिरसिया पुलिस द्वारा इन सभी 7 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। थाना सिरसिया पर गैंग अनुमोदन के उपरांत इब्रार अहमद आदि 7 नंबर अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इब्रार अहमद और एक अन्य जो है भिंगा कोतवाली के रहने वाले हैं तथा अन्य शेष 5 सिरसिया थाने के हैं। उक्त अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो सरकारी जंगल की लकड़ियों को, सागौन आदि खैरात की लकड़ियों को काटकर अवैध रूप से व्यापार करते हैं और आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनके विरुद्ध शीघ्र ही अन्य कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दो साल बाद आज रंगरी में एक बार फिर हिंदी सीखने विदेशी छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचेंगे। संस्थान में विदेशी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 30 मई तक 18 से 35 की उम्र तक आवेदन दाखिल कर सकते हैं। कोरोना काल में विदेशी छात्राओं की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, जिसके चलते एक बार फिर से केंद्रीय हिंदी संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, जिसे शुरू होते देख छात्रों में खुशी देखने को मिल रही है। फतेहपुर जिले के 70 साल के पति को 65 साल की पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण पति पत्नी में आए दिन विवाद और मारपीट होती रहती थी, लेकिन इस बार मामला शांत नहीं हुआ और रात को सोते समय मौका मिलने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। थाना सोतर में एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें पति के द्वारा अपनी 66 वर्षीय पत्नी श्रीमती ललिता की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त को शक था कि उनकी पत्नी कहीं और भी आती जाती है, बात करती है, जिसके शक संदेह पर उन्होंने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड का, जहां अपर पुलिस अधीक्षक और एडीएम की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस संयुक्त अभियान में प्राइवेट टूरिस्ट बसों पर हंटर चलाया जा रहा है, जिसमें 3 टूरिस्ट प्राइवेट बसों का चालान किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्राइवेट टूरिस्ट बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
हरदोई में आधी रात में एसडीएम ने मिलावटी यूरिया पैक करके बेचने की शिकायत पर जीएसटी और कृषि विभाग की टीम के साथ एक खाद गोदाम पर आधी रात छापेमारी की। कई घंटे चली जांच पड़ताल पूछताछ करने के बाद मौके से खाद की दुकान का कोई भी स्टेप बरामद नहीं हुआ, बल्कि उसमें भूसा बरामद था। खाद की दुकान में भूसा देख अधिकारी हेल्प में प्रगट, जिसके बाद टीम बेरंग वापस लौट गई। पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल में सामाजिक कार्यों के लिए केड़ी शाही जन जागृत संस्थान ने 19 हिंदू जोड़ों और दो मुस्लिम समाज के जोड़ों के रीति रिवाज के साथ जन जन्मांतर के लिए एक दूसरे का जीवन साथी बना दिया। शाम होते ही नवयुगल अपने परिजनों और बारातियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे, जहां शहनाई की धुन और रंग बिरंगे रोशनी के बीच उपस्थित अतिथि और ग्रामीणों के समक्ष नवयुगलों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह सम्पन्न कराया गया। संभल में प्रेम प्रसंग के चलते दो गुटों में मार पिटाई हो गई। आपको बता दें कि वाद इतना भीषण था कि देखते ही देखते दोनों ओर से बंदूक तमंचा सब निकल गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झड़प को शांत कराया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लोग मौके से फरार हैं। सिद्धार्थनगर पुलिस के हत्थे एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि लोटन पुलिस और एसओजी टीम की मदद से एक शातिर बदमाश को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि व्यक्ति को धर्मौली पुलिस के पास से पकड़ा, जिसकी पहचान इंद्रकेश यादव के रूप में हुई है। खबरों के मुताबिक शातिर बदमाश नेपाल का मूल निवासी है। आपको ये भी बता दें कि धरपकड़ के दौरान पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल समेत 105 नेपाली करेंसी भी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए। खबर सुल्तानपुर से, जहां यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ से वाराणसी जाते समय गुरुवार को सुल्तानपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पीलीभीत में एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चलता दिख रहा है। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार सूबे की सरकार हरकत में है। इसी बीच पीलीभीत जनपद के मुख्य चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर स्थित अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि प्रशासन ने कई बार निर्देश देने के बावजूद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसके चलते मजबूरन प्रशासन को पीले पंजे वाला बुलडोजर चलाना पड़ा। हरदोई में सीएम योगी के बुलडोजर का खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरदोई नगर स्थित मोमिनाबाद में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना था, लेकिन इससे पहले ही नालों पर बने पक्के मकानों पर अवैध पट्टियों को लोग खुद ही हटाते दिखे। मजिस्ट्रेट सदानंद के संरक्षण में होना था एक्शन, फिलहाल अवैध नालों पर योगी के बुलडोजर की काज गिरती दिखाई दी है। जैसा कि आप अवगत हैं कि विगत कुछ दिनों से शासन व जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में बहुत सारे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहे हैं, जो अस्थाई अतिक्रमण और जो नालियों पर खास तौर पर के बना के रखे थे। साफ सफाई में जहां दिक्कत होती थी, नाली सफाई में जहां दिक्कत होती थी, लोगों को एजुकेट करने से, उनको बताने से, समझाने से बहुत सारा अतिक्रमण स्वतः ही लोगों ने हटा लिया है। और जहाँ तक नगरी क्षेत्र में पक्का निर्माण था, उनको जब बताया गया कि नाले की सफाई नहीं हो सकती है, ऐसी दशा में उनको खुद समझे और नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया गया और इस प्रकार से वो लोग खुद नियंत्रित कर रहे हैं और नाले की सफाई अच्छे से हो, आने वाले मानसून में किसी तरह से कोई पानी का जल जमाव न हो, इस प्रकार से वो लोग स्वतः हटाते हुए जो है नालियों को ठीक कर रहे हैं। साजापुर में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई और खुदकुशी की कोशिश करने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस महिला को टंकी से सुरक्षित नीचे उतारा और परिजनों को सौंप दिया। खबरों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे से परेशान थी। देर रात NH 44 पेतवा नदी के पास भीषण हादसा हो गया। सड़क हादसा जिसमें एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मामले की वजह तेज रफ्तार और अनियंत्रित ड्राइविंग बताई जा रही है। अनंतपुर से झांसी की तरफ युवक जा रहे थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में SSP KC गोमी और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिरसिया पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि सिरसिया पुलिस ने 15 महीने से फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।
है।